लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और मेरे पीछे सही राम पहलवान है जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, दक्षिणी दिल्ली से प्रत्याशी हैं, साथ ही साथ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं आदिशी और सौरभ भारद्वाज जी जो हमारे यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दिल्ली के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। आज सभी यहाँ पर मौजूद हैं इनका समर्थन के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम सौरभ भारद्वाज जी से बात करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, यहाँ पर अभी फिलहाल गुर्जर वर्सेस गुर्जर अगर हम कहें तो देखा जा सकता है, लेकिन पिछले चुनाव 2019 की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को भारी जीत मिली थी। ऐसे में गुर्जर समाज को या फिर हम कहें यहाँ दक्षिण दिल्ली के जनता को कैसे साधेगी आम आदमी पार्टी? देखिए 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव बिल्कुल अलग है। उस समय बालाकोट का एक सेंटिमेंट था, प्रधानमंत्री जी से उम्मीदें थी, कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ है, लोगों के मन में बदलाव की उम्मीद है। सही राम जी जो हमारे कैंडिडेट है, यहाँ के 10 साल विधायक रहे हैं, लोगों को इनका ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है कि जमीनी नेता हैं, काउंसलर रहे, विधायक रहे, लोगों की सेवा की। उसे जो नंबर पे वोटर्स आते हैं वो जाट वोटर्स होते हैं, लेकिन जाटों का जो विश्वास है आरएलडी पर ज्यादा देखा जाता है वो इस बार बीजेपी के साथ है, तो आप इसको किस तरह से देखें? देखिए जाट पारंपरिक रूप पे आरएलडी के साथ थे, मगर जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों के साथ व्यवहार हुआ, उन्होंने जंतर मंतर पे धरना दिया, जिस तरीके से टिकैत के साथ व्यवहार हुआ, ये सब लोगों ने देखा है। और जिस तरीके से अजीत सिंह के बेटे जयंत भाजपा के साथ अलायंस कर रहे हैं, जाटों में इस बात को लेकर गुस्सा है। आप बात करते हैं यहाँ के प्रत्याशी सही राम पहलवान जी से। सबसे पहले तो एबी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। आपसे बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर अभी मुद्दे क्या है आम आदमी पार्टी के दक्षिणी दिल्ली। देखिए दक्षिण दिल्ली की बात नहीं है, पिछले 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा है आज मुद्दे वो हैं। दिल्ली में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत विकास किया है, एक सबसे नीचे के तबके से लेकर हाई क्लास तक सबकी जरूरतें पूरी की हैं। आज मुद्दे हैं जवान के, किसान के, बेरोजगारी की, महंगाई के, ये मुद्दे इन पर चर्चा करें ना वो। जी गुर्जर बनाम गुर्जर ये चुनाव देखने को मिल रहा है, इसको आप किस तरह से साधेंगे, क्योंकि 2019 में बीजेपी ने बहुमत से इस सीट पर अपना कब्जा जमाया था। देखिए 2019 की बात आप भूल जाइए, इतिहास बदलने के लिए है, रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए, तो पिछले सब रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार दिल्ली में। ठीक है, और अब कांग्रेस के साथ जो चुनाव आप साथ में लड़ रहे हैं, इसको आप कितनी मजबूती से देख रहे हैं कि कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी? बिल्कुल मिलेगी, मजबूती मिलेगी, इंडिया गठबंधन की बात है। हमारे साथ आतिशी जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आतिशी जी आपसे बात करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं और ये पहला नामांकन होने जा रहा है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए इस बार दिल्ली की जनता ने अपना मन बना लिया है कि जो अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में गिरफ्तार किया है, जो अरविंद केजरीवाल जी पे फर्जी मुकदमा चलाया है, उसका जवाब दिल्ली वाले अपने वोट से देंगे। और 2019 की अगर बात करें तो सीधा 30% का जो है ना वोट काउंट गिरा था आम आदमी पार्टी का, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि है ना बहुमत से बीजेपी यहां पर डबल नंबर से आ। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं आने वाली है, तो मतलब कहना चाह रही है कि 7 में से 7 सीट जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलेंगी, 7 सीटें आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को। तो ये थे हमारे साथ तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो इस वक्त यहाँ इस रैली में मौजूद है, आशीर्वाद रैली में मौजूद है, और इन्होंने कहा कि बहुमत जो है वो आम आदमी पार्टी को ही मिलेगा, 7 में से 7 सीट आम आदमी अपने नाम कराएगी। आज देखिए ये परिवारवाद, आम आदमी पार्टी के पास और कोई नेता नहीं थे, जो उन्होंने सीएम ने अपनी
पत्नी को चुनाव में उतार दिया, क्यों जी? और कोई नेता नहीं है जो सड़क पे जो विरोध कर रहे थे? आज राघव चड्ढा जी है, इतने प्रवक्ता थे, उनको भी ला सकते थे, आज उनको साइड में किनारे कर दिया गया है, तो और कोई नेता नहीं है उनके पास? चलिए श्रीमान जी को बताएं, प्रचार करने का हक सबको है, सुनीता केजरीवाल जी क्यों ना प्रचार करें? अगर उनको राबड़ी देवी बनाना होता जो बीजेपी बोल रही है, तो वो जेल में जाने से पहले उनको सीएम बना के जाते। ये बीजेपी जो है अंदर वाले केजरीवाल से डर गई है, अंदर वाला केजरीवाल बाहर वाले केजरीवाल से कई गुना खतरनाक है। पहले जो यहाँ पर दिल्ली की सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस चुनाव में दोनों आमने सामने थे, अब दोनों साथ में है, तो कैसे जनता विश्वास करे? बता रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी 2013 में शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी को विरोध कर रहे थे कि ये भ्रष्टाचार भ्रष्ट पार्टी है, आज वही केजरीवाल जी आज उनकी गोदी में जाके बैठ गए हैं, तो ये कैसी विचारधारा है? इनकी कोई विचारधारा नहीं, आज देखो स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। स्वार्थ की राजनीति कहेगा? ये स्वार्थ की राजनीति नहीं है, लोकतंत्र बचाने की राजनीति है, इसको आप स्वार्थ बोल रहे हैं? आज हम एक एक सीट पे लड़ेंगे। देखिए भैया ने बोला कि ये कांग्रेस साथ मिल गया, कांग्रेस के राज में जनता ने दुखी नहीं थी, कांग्रेस के राज में जनता सुखी थी, हर आदमी खुशहाल था, हर आदमी के हाथ में पैसे थे। लेकिन सरकार क्यों चली गई? सरकार चली गई इनकी नीतियों से, इन लोगों ने हवा उड़ा दिया, इन्होंने इतना हवा उड़ाया, अफवाह फैलाया। कांग्रेस बीजेपी वाले अफवाह फैलाने में बहुत एक्टर हैं, बहुत तेज हैं, अफवाह फैला फैला करके जनता को गुमराह कर करके इन्होंने सत्ता छीना। लेकिन जनता जनता समझ चुकी है इनके सुपड़ा साफ होने वाली है, जो 400 बार की बातें कर रहे हैं ना, 400 बार इनकी 40 सीट नहीं आएगी, ये 400 बार कर रहे हैं ना, ये हो जाएगा। गैस आटा चावल दाल जितने सामान है वो सब प्रतिक्रिय 400 बार कर देंगे। ये दक्षिणी दिल्ली पे खड़े हैं और यहाँ पर पिछले चुनाव अगर बात करें 2019 की बात करें तो जितने वोट्स आम आदमी पार्टी को मिले तो उसका डबल वोट बीजेपी को मिले थे, तो कैसे साथ पाएगी उस? कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? हो गया जब होना था, अब बताएं ना, अब करेंगे हम बात। जनता जागरूक हो चुकी है, नौजवान जागरूक है, सोशल मीडिया से वैसे भी हर तरीके से आज की जनता जागरूक हो चुकी है। बार बार वो नहीं चाहती हमें हर बार आए, वही खाली वादे मिलते हैं, लिफाफा मिल जाता है। आज उन्हें कोई ऐसा चेहरा चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सकते हो। तो आपको सजा 6 महीने पहले देते ना, इलेक्शन के समय बंद करने का मतलब है आपने जेल लाना। आप चाहते हैं आम आदमी पार्टी ख़त्म हो जाए, और आम आदमी पार्टी ख़त्म नहीं सकती, ईमानदार पार्टी है और ईमानदार पार्टी कांग्रेस ने ही साथ दिया है। हम सारे गठबंधन हमने बनाए थे, गठबंधन बना के केजरीवाल ने दिल्ली की 7 सीटों पे हम जीतेंगे। भाजपा अपने शौचालयों का प्रचार करती है, जब खाएंगे नहीं तो शौचालय कहाँ जाएंगे ये बताइए आप? हैं हैं, जब पेट में भूखे हैं तो शौचालय का हम क्या करेंगे? हैं अपने को एक बार बताइए, गैस दिया हमको, गैस 400 रुपये मिलता था, सिलेंडर 1200 रुपये कर दिया, तो हमसे तो ये भाजपा कमाती है। भाजपा एक हमारे लिए करप्शन है, एक घोटाला है एक तरह का।